चैप्टर स्टार्ट किया था करंट एंड रेजिस्टेंस का। इस चैप्टर में हम एक थोड़ा सा एक्चुअली पहले हमारा काम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। वो आपका एक डिटेल्ड वर्क था जिसको हमने कोशिश की कि पूरी डिटेल जितनी उसकी पॉसिबल थी हम उसके साथ कर लें। अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन रिलेटेड है मैग्नेटिक फील्ड्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ स्टैटिक चार्ज, जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी वजह से आपको एक फील्ड मिलती है, एक एरिया मिलता है जहां पे उसका कोई इफेक्ट होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से आपके पास जो मूविंग चार्जेस होते हैं उनकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो उन मैग्नेटिक फील्ड्स को हम नेक्स्ट अपने जो हमारा एक मेगा पोर्शन है उसमें हमने उसको डिस्कस करना है। तो दरमियान में समझे एक थोड़ा सा लिंक आता है जिसमें हमने पहले देखा कि करंट क्या होता है। आप लोगों को याद है करंट क्या होता है? मैम इसको इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कहते हैं, फ्लो कहते ऑफ हैं चार्जेस। जी बिल्कुल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्जेस को तो हम कहते हैं। तो आई किसके बराबर होता है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू बाई टी, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यू, आपके चार्ज का है। इसके अलावा हमने एक और क्वांटिटी वहां पे डिस्कस की थी, आपको याद है कौन सी की थी? इलेक्ट्रिक करंट के साथ हमने किस चीज को डिस्कस किया था? चार्ज डेंसिटी, ये क्या होता है? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी किसके हाँ, बराबर होता है? क्या अंडरस्टैंडिंग है आपके जहन में चार्ज डेंसिटी की? क्यू बाय एरिया, ओ चार्ज बाय एरिया रेट। यस, इट्स करंट पर यूनिट एरिया। करंट क्या है? क्यू ओवर टी, और जे क्या है? आई ओवर ए। उसके बाद हमने दो प्रॉब्लम्स किए थे, अगर आप लोगों को याद हो। हमने लिया था अपने, हमारा गिवन था कुछ, हमें जे गिवन था, एरिया उन्होंने बताया था कौन सा आपने लेना है, उसमें आपने आई फाइंड आउट करना था। तो आई किसके बराबर होगा इस फार्मूला की रूप से? आई इज इक्वल टू जे ए। क्लियर है? यस मैम। जे इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू जे ए हो जाएगा ना। ये इस फॉर्म में, इस फार्मूला का हम तब लिखते हैं व्हेन योर जे इज कांस्टेंट यूनिफॉर्म। जब वो वक्त के साथ चेंज नहीं हो रहा तो आप लिखते हैं आई इज इक्वल टू जे ए। बट इफ योर जे इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर वो आपका टाइम के साथ या एरिया के साथ, जिस भी चीज के पे वो डिपेंड करता है, अगर तो उसके साथ चेंज हो रहा है, तो आप आई इज इक्वल टू जे ए नहीं लिखते, तब आप लिखते हैं आई इज इक्वल टू इंटेग्रल जे डी ए। अब ये शो करता है कि जो आपका जे है दैट इज डिपेंडेंट ऑन एरिया। ये पॉइंट आपको क्लियर है तो मैं आगे चलूं, या आप इस पे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? इन दोनों इक्वेशन में ये जो मैंने आपके सामने एक ये लिखी है, ये लिखी है, डू यू अंडरस्टैंड इट? मैम ये इंटेग्रल क्यों आया इधर? इंटीग्रल इसलिए आया कि आपके पास यूनिट एरिया जो है, आपकी जो सॉरी करंट डेंसिटी है वो एरिया के साथ चेंज हो रही है। तो आपने क्या करना है, पहले आप स्मॉल चेंज देखेंगे, फिर आप उन सब को छोटे छोटे पार्ट्स में देखते चले जाएंगे। आप यही देख सकते हैं आप ओवरऑल सरफेस का फाइन, क्योंकि चेंज हो रहा है हर वक्त, वो चेंज आर के साथ उसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है, वो कॉन्टिन्यूस है, उसकी चेंज स्मॉल और कॉन्टिन्यूस है और बहुत ज्यादा एरिया का है। तो इस वजह से ऐसी चीजों को ऐड करने के लिए समेशन को यूज नहीं किया जाता, इंटीग्रेशन को यूज किया जाता है। कैलकुलस यूज होती है ऐसी जगहों पर जहां पर आपके पास बहुत ज्यादा अनॉर्मस एक तरह का आप समझे कि डेटा है, और जो चेंज है वो बहुत बहुत स्मॉल है और इतनी वो करीब है कि आप उसको समझते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस बन जाती है, वहां पे आप इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ये आपका एरिया के साथ, लेट्स सपोज अगर ये आपकी कोई सरफेस है, ये इसका एरिया है, ये यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, इस एरिया में कुछ हो रहा है, इसमें कुछ हो रहा है, तब आपने क्या करना है, आप ए का फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इस सारे जो छोटे छोटे पैच बनेंगे उन पे इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। होता है कि आप इनको समेशन करते हैं, यानी कि एक को ऐड किया फिर दूसरे को 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा नंबर होता है कि आप उनको 1 2 3 के साथ ऐड नहीं कर सकते। दूसरा, ये जो चेंज होते हैं ये कॉन्टिन्यूस होती है, तो आप इसको क्या करते हैं, फिर समेशन की बजाय आप यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करते हैं। अगर याद रखने की बात इसमें क्या है, इफ यू हैव
कॉन्स्टेंट जे, यूनिफॉर्म जे, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. एंड इफ यू हैव नॉन यूनिफॉर्म जे तो आप नीचे वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. और इसी तरह से जो दो प्रॉब्लम्स हमने लास्ट टाइम की थी, अगर अभी तक आपने उसको बाय हैंड सॉल्व नहीं किया तो आप उसको अब जरूर सॉल्व करें. इसके अलावा हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकाला था, उसका एक रिलेशनशिप ड्रॉ किया था, वो भी आपको आई होप कि आपको उसमें समझने वाली तरह सच कोई चीज नहीं थी कि आप ना कर पाते. ठीक है जी, आज जो चीज हम देखना चाह रहे हैं दैट इज रेजिस्टेंस. करंट के साथ अब हमने देखना है रेजिस्टेंस को. ओम्स लॉ का कभी नाम सुने आप लोगों ने? यस मैम. यस मैम. और कोई गर्ल्स में से कोई बताए व्हाट इज ओम्स लॉ? गर्ल्स में से कोई बताएगा कि ओम्स लॉ क्या होता है, किस किस्म का रिलेशनशिप देते हैं आपको? मैम, V इक्वल्स टू आई आर. इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? मैम, वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस. Exactly. It provides relationship between voltage and current. R कहाँ से आया? Resistance. R कहाँ से आया equation में? V is proportional to I. तो R कहाँ से मैंने अब लिख दिया उसके अंदर? ये R resistance. कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को मैंने रिप्लेस किया है आर के साथ एंड दैट विल रिप्रेजेंट माय रेजिस्टेंस. इसका ये मतलब है कि आपके पास लेट्स सपोज एक सर्किट है, ये आपकी बैटरी है. नेगेटिव एंड किसको शो, स्मॉल एंड किसको शो करता है, पॉजिटिव को या नेगेटिव को? पॉजिटिव को. दो चीजें बनाते हैं ना हम, एक छोटी लाइन लगाते हैं एक बड़ी लगाते हैं, तो बड़ी लाइन किस चीज को शो करती है? पॉजिटिव टर्मिनल को. छोटी किसको शो करती है? नेगेटिव. इसका मतलब है कि अगर किसी सर्किट में आप एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं दैट इज वी, तो उस सर्किट में जो आपका करंट है दैट इज आई अक्रॉस रेजिस्टेंस आर. तो इसको आप सॉल्व करते हैं यूजिंग ओहम्स लॉ. ओहम्स लॉ आपको बताता है कि अगर आपके पास कोई वोल्टेज का कोई सोर्स है और आपने कोई आपके पास रेजिस्टेंस है, तो उसके अक्रॉस अगर आप करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप कैसे उसका रिलेशनशिप क्या होता है, ये आपको ओम्स लॉ से मिलता है. मैम, और कोई रेजिस्टेंस मतलब बल्ब है जिसमें वो करंट यूज हो रही है? आज क्या है? और कोई रेजिस्टेंस मतलब के बल्ब है कोई? आर कुछ भी हो सकता है बच्चे, रेजिस्टेंस लोड भी उसको कहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो बल्ब हो, वो पंखा हो, वो कंडीशनर हो, आपका कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जो कि कंडक्टिंग करता हो, ड्रॉ करता है ना करंट. आपको चाहिए होता है आपके घर में अगर कोई बल्ब चलता है तो ऑफ कोर्स उसको करंट चाहिए होता है, तो वो यूज करता है उसको. तो आर कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस हम इसको कहते हैं, इसको हम लोड भी कहते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज जो इस सर्किट को कंप्लीट करे. ओके, ये नहीं कि आप इसके रेजिस्टेंस के दरमियान में आप दोनों एंड पे लकड़ी लगा के अगर बैठ जाएं तो आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा. तो आपको कोई कंडक्टिंग चीज चाहिए, आप इंसुलेटर यहाँ पे आर की जगह पे नहीं रख सकते. बस ये रेजिस्टेंस ये जरूर होता है कि वो कुछ ना कुछ, चूंकि वो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस शो करेगा, तो वहां पर आपको करंट को एक मुश्किल का सामना होता है. ठीक है जी. सो फ्रॉम ओहम्स लॉ आर किसके बराबर आ गया? आर को किसके बराबर लिखो? ये आपके सामने ये वी ओवर आई. आर किसके बराबर हुआ? वी ओवर आई. मुझे इस किताब में शायद आई स्मॉल से लिखा गया है करंट को. मैं नॉर्मली आई के लिए कैपिटल, सॉरी करंट के लिए कैपिटल आई यूज करती हूँ. तो इस चीज को आई होप कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी. वी कैपिटल, आर कैपिटल और आई कैपिटल. ये जो वी है ये वोल्टेज है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दिस इज नॉट अ वेलोसिटी.
स्मॉल वी होता है वेलोसिटी का, और वेलोसिटी की जहां पे बात हो रही हो तब आपको वेलोसिटी को लाना चाहिए, ये नहीं जहां पर वी देखा उसको पकड़ के वेलोसिटी बना दिया। यूनिट क्या होगा इसका, इसी इक्वेशन को देखते हुए इसका यूनिट बताएं मुझे। वोल्ट पर एम्पीयर वोल्टेज जो आपका वी है इसका आपके पास यूनिट होता है वोल्ट, और आपके पास करंट का होता है एम्पीयर, तो ये वोल्ट पर एम्पीयर इसका यूनिट आता है जिसका एक सिंगल नाम है ओहम। ठीक है जी, रेजिस्टेंस का यूनिट भी क्या होता है ओहम होता है। ठीक है जी, तो स्लाइड नजर आ रही है ना आप सबको मेरी? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है उसको हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टिविटी। आप बता सकते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है, क्या आपको सेंस डेवलप होती है इसकी? वो लोग नहीं बोलेंगे जो पहले बोलेंगे, अब कोई नए लोग जवाब दें। रेजिस्टिविटी से आपके जहन में क्या आता है? मुबशर आप बताएं। मैम जो रेजिस्टिविटी होता है किसी सर्किट में चार्ज के फ्लो में अपोज करना, उसको लोड बनना सर्किट पर। ठीक है जी, जो आपके पास एक रेजिस्टिविटी से हमारी समझ जो आती है कि जो हिंड्रेंस है, जो रुकावट आपको करंट को आती है वहां से फ्लो करने में, उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। बच्चे रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अगर आप देखते हैं आयरन है तो आयरन का एक अपना रेजिस्टिविटी है, अगर आप कोई और मटेरियल लेते हैं लेट्स सपोज तो उसका एक अपना डिफरेंट रेजिस्टिविटी होगी। रेजिस्टिविटी इज मटेरियल प्रॉपर्टी, जबकि रेजिस्टेंस आपकी कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अगर आपके पास एक लंबा सा रॉड है तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू शॉर्ट रॉड, लेकिन अगर दोनों रॉड आयरन के हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, की एक स्पेसिफिक मटीरियल है उसके अंदर उसके एटम्स की, उसके अंदर उसके चार्जेस की अरेंजमेंट ऐसी है कि वो हर बार अगर जो करंट अगर उसमें से पास करना हो या आप जब आप उसको वोल्टेज देंगे तो कितने करंट को अलाउ करेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कितनी होगी, ये मटीरियल की प्रॉपर्टी होती है। जबकि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है कि आपने किस शेप का अपना लिया है मटीरियल लिया है। इसको भी हम देखेंगे, अभी हम एक रिलेशनशिप ड्रॉ करेंगे बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो तब हमें ज्यादा अच्छी तरह से एक बात समझ आएगी कि आपस में किस तरह से रिलेटेड होते हैं। ठीक है जी, रो आपके पास है, रो इज डिफाइंड एज, सॉरी पेन मेरा चला जाता है कहीं, ओके, रो इज डिफाइंड एज ई ओवर जे। व्हाट अबाउट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है? अच्छा कंडक्टिविटी क्या होता है? जैसे आपने रेजिस्टिविटी मैम इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, एग्जैक्टली कंडक्टिविटी, हाँ जी है ना, जी जी बिल्कुल ठीक है। हम कहते हैं कि रेजिस्टिविटी जो चीज आपकी रेजिस्टेंस शो करती है उसको हम रेजिस्टिविटी कह रहे हैं। तो जितना ज्यादा एक किसी मटेरियल से या किसी कॉन्फ़िगरेशन से किसी भी जगह से जितना ज्यादा करंट या जितनी ज्यादा उसका वो कंडक्शन अलाउ करता है दैट इज कंडक्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा हो तो कंडक्टिविटी कम होगी या ज्यादा? कम होगी। रेजिस्टिविटी ज्यादा हो कंडक्टिविटी कम होगी। एग्जैक्टली, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कि अगर और बात हमें मतलब आप सुनते भी तो आपको बात समझ आती है, अगर एक चीज की कंडक्टिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब वो कंडक्टिविटी ज्यादा हुई इसीलिए है, क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम थी। अगर किसी चीज की रेजिस्टिविटी ज्यादा हो तो ऑफ कोर्स वो किसको अफेक्ट करती है, वो कंडक्टिविटी को इफेक्ट करती है, कंडक्टिविटी को कम कर देती है। सो हमारे पास रिलेशनशिप आ जाता है इफ सिग्मा इज कंडक्टिविटी, सो सिग्मा इज इक्वल टू वन ओवर रो। रो क्या है? रो आपका रेजिस्टिविटी है। ठीक है जी, तो अगर आप इनको दोनों को एक साइड पे ले जाए, लेट्स सिग्मा और रो इज इक्वल टू वन, इसका क्या मतलब है कि दोनों एक कांस्टेंट के बराबर है, कांस्टेंट होगा। अगर आप इसको बढ़ाते हैं कंडक्टिविटी को, रेजिस्टिविटी कम हो जाती है तो भी ये कांस्टेंट रहती है चीज। अगर आप रेजिस्टिविटी को बढ़ाते हैं कंडक्टिविटी कम हो जाती है, इसका ये रिलेशनशिप हमेशा टाइम चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक चीज दूसरी चीज के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है जी, नीचे वाली इक्वेशन आपके काम की नहीं है,
अब हम नेक्स्ट चीज पर आ जाते हैं, ठीक है जी। अभी हमने अपने पास एक रो को डिफाइन किया था, बच्चे हर स्टेप पे आके पेन मेरा काम नहीं करता। रो को हमने डिफाइन किया था कि हमारे पास रो किसके बराबर था, अपनी लास्ट स्लाइड में अभी हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है, तो अगर मैं आपको दोबारा खोलूं कि रो किसके बराबर आ रहा है, E over J, exactly। ठीक है जी, ये आ गया E over J। अब हमने देखना है कि E किसके बराबर होता है और J किसके बराबर होता है, ताकि हम इसकी वैल्यूज में लिख सकें। इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है V over L के। ये चीज अगर आपको याद हो तो हमने एक इक्वेशन की थी कि वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लिखा था, हमारे पास क्या था, न्यूटन पर कूलम था। तो इसको हमने कहा था, मैंने कहा मैं वन डॉट वन से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एन ओवर सी लिखा था, यहाँ पर भी एन ओवर सी था। तो एट द एंड जो हमारा ई था वो बराबर आया था वोल्ट पर मीटर के। तो ये वही चीज है जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, वी ओवर एल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओवर लेंथ है, मीटर है ना, मीटर क्या होता है, मीटर लेंथ होती है, लेंथ का यूनिट है। तो V ओवर L इज E और J आपके पास क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। अब आप इस फॉर्मूले में जो आपके पास है इसकी वैल्यू लिखें और मुझे बताएं कि आपके पास रो किसके बराबर आता है। है आपके पास कुछ लिखने के लिए? रो बराबर होता है 1 ओवर डेंसिटी के। अच्छा, 1 ओवर डेंसिटी कहां से, मैंने भी बताया आपको E बराबर है V ओवर L के, J बराबर है I ओवर A के और रो बराबर है E ओवर J के। तो इनकी वैल्यूज लिख के बताना है कि किसके बराबर आता है। मैं हवाई बात नहीं पूछ रही हूँ कोई, इक्वेशन तीनों चीजें आपके सामने हैं, वैल्यू पुट करनी है रो के अंदर E और J की। V ओवर L ओवर I ओवर A आ जाएगा। एग्जैक्टली, V over L over I over A, ठीक है, ये चीज आपके सामने लिखी है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये आ जाएगा V, L नीचे चला जाएगा, L, I क्या होगा, I भी नीचे रहेगा और A कहां पर चला जाएगा, ऊपर, ठीक है ना, ये चीज आएगा या किसी को कोई इस पे कोई ऑब्जेक्शन है? यही आएगा मैम जी। बच्चे V over L over I over A, तो जो V ओवर L है L नीचे चला जाएगा, I ओवर A है, थर्ड जब आपका वो बनती है लाइन तो वो ऊपर चले जाता है। तो ये चीज आती है आपके पास, अगर आपको याद हो, अगर मैं इसका कलर चेंज करूं तो आपको थोड़ा सा कोई डिफरेंस फील हो कि ये, सॉरी, V ओवर I, ये अभी हमने शुरू में किसके बराबर निकाला, याद है कुछ? R is equal to, किसके बराबर निकालता है, वोल्टेज ओवर करंट के। R equals to V over yes, I. इसका मतलब है कि ये आ गया R, ये जो चीज है V over I, that is R, A वैसे का वैसे और L वैसे का वैसे, ये चीज है रो के बराबर। रो इज रेजिस्टिविटी, दिस इक्वेशन शोज हाउ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस आर रिलेटेड। ये सेम अगर होते तो रो इज इक्वल टू R आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर मैं यहां से R को निकालना चाहूं तो R किसके बराबर आएगा, R इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, रो इनटू L। अच्छा, इस इक्वेशन से R को निकालना है, L ओवर A, L ओवर A, एग्जैक्टली ये है जी हमारे पास। अगर आपको किसी चीज की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो एक तो आपको उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी चाहिए, सेकेंड आपको उसकी जो भी आपकी उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, जिस जगह से करंट ने पास करना है, जिसकी आपने रेजिस्टेंस देखनी है, उस मटेरियल की लेंथ चाहिए, और सेकेंड चीज, थर्ड चीज आपको उसका एरिया चाहिए, ठीक है। बट इसमें कोई मुश्किल कोई चीज नहीं है एक्चुअली। अब हमारे पास बहुत थोड़ा सा काम है, हमारी छोटी छोटी सी डिस्कशन है, तो इसलिए मैं इसको अलग रखना चाहती हूँ। ये अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नजर आ रहा हो तो मैं इसको एक बार आपके सामने पढ़ती हूँ। A rectangular block of iron has dimension 1 by 2 cm into 1 by 2 cm into 15 cm. Rectangular block को समझते हैं क्या होता है? Rectangle है, इसका ये मतलब है कि उसके दो जो lengths हैं वो बराबर नहीं है। इसकी example आप क्या चीज़, आप duster ले लें जो आपकी classroom में होता है, या ईंट को ले लें।
या ऐसी इंच जिसकी बर्थ और जो ये चीजें हैं, ये ब्रिक की बात कर रही हूँ, इंच से मुराद मेरी ब्रिक है, ये लेंथ और ये लेंथ उसकी क्या होगा? पर अभी आपको एक पोर्शन नजर आ रहा है, ठीक है, और इसके साथ ही क्या होता है, एक लंबे वाला पोर्शन आपको नजर आएगा इसके पीछे, वो उसकी लेंथ आएगा, ठीक है। अगर आप उसको फिलहाल छोड़ दें, आप सिंपल ये देखें कि एक रेक्टेंगल से क्या मुराद है। अगर आपको सामने इंच का रुख आपकी तरफ है तो ये आपको एक पोर्शन नजर आता है, उसके पीछे उसकी बैक पे इस तरह का पोर्शन होगा। क्लियर है? रेक्टेंगल समझते ना क्या होता है? रेक्टेंगल को जब आप थ्री डायमेंशन में ले लेते हैं, रेक्टेंगल को जब आप थ्री डायमेंशन में लेते हैं तो आपके पास दो सर्फेसिस आती हैं जो स्क्वेयर होती हैं, चार आपके पास सर्फेसिस आती हैं जो रेक्टेंगल होती हैं, ठीक है? ओके मैम। अब आपने इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है क्योंकि आपने आर फाइंड आउट करना है। अब इनकी दो सिचुएशन बनती हैं, एक तो ये कि आपकी जो आपने अपना रॉड या डस्टर अपने पास रखा हुआ है, उसके छोटे वाला जो उसका एज है वहां से करंट स्टार्ट करे और उसके लंबाई से गुजरती हुई एंड पर आ जाए, ठीक है। दूसरा पोर्शन, दूसरा काम आपका ये है कि आप उसके जो लंबे वाला पोर्शन है उससे स्टार्ट करते हैं और अपने दूसरे एंड तक जाते हैं। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे लिखी हुए, द स्क्वेयर एंड से आपका गुजरे, ठीक है, विद डायमेंशन 1.2 सेंटीमीटर इनटू 1.2 सेंटीमीटर, ये आपको क्या देता है? एरिया देता है, ठीक है। लेंथ कितनी है इसकी? 15 सेंटीमीटर, और एरिया अगर वो स्क्वेयर की साइड से गुजरे तो आमने सामने की साइड से गुजरेगा तो आपके पास एरिया 1.2 इंटू 1.2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर वो रेक्टेंगुलर साइड आमने सामने आ जाए तो उस दौरान आपका जो एरिया है दैट इज 15 इंटू 15 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी आ जाएगी? 1.2 सेंटीमीटर। अब आपके पास क्वेश्चन करना आसान है, फॉर्मूला आपको पता है। अब आपने सिर्फ इस वाले केस में आपने आइडेंटिफाई करना होता है एल क्या है और आर क्या है। रो आपको चूंकि आयरन दिया गया है तो पीछे एक हमारे पास एक टेबल था, अगर आप इस स्लाइड में देखें तो हमारे पास यहाँ पे आयरन का रेजिस्टिविटी गिवन है कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है। इसको आप यूज करते हैं, रेजिस्टिविटी मैंने आपको बताया कि मटीरियल की सप्तमा मटीरियल के लिए कॉन्स्टेंट होता है, तो दोनों केसेज में ए वाले पार्ट में और बी वाले पार्ट में आपके पास रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। डिफरेंस कहां पर आएगा? जब आप एल और ए की बात करेंगे, आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को आप खुद से लेक्चर के बाद सॉल्व करने की कोशिश करें, आप देखिए आपको क्या चीज समझ आती है और कितनी बात आपको समझ नहीं आती है, ठीक है जी। आप लोग अगर थर्सडे को आपका लेक्चर, कितने बजे होता है थर्सडे को आपका लेक्चर? 12:30 में 12:30 पे है, तो मैं चूंकि 11 बजे फारिग हो जाऊंगी तो आप कुछ देर पहले आके तो ये चीज डिस्कस कर सकते हैं मेरे से कि आपका 9:30 होता है, 9:30 से 12:30 दो इकट्ठे होते हैं, आप कंजक्टिव होते हैं? नहीं, वो उसका हमारा बी सेक्शन है ना। नहीं, कंजक्टिव लेक्चर आपके दो ही होते हैं। यस मैम, लैब है। फिर आप किसी क्लास में चाहे आ जाए मेरी, उसमें देख सकते हैं, लेकिन फिर आसान एग्जांपल अगर आप इसको कर सके तो ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आप यूनिवर्सिटी में किसी टाइम मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपको सामने कोई उसकी चीज दिखा के, लेट्स सपोज आपके पास कोई डस्टर वगैरह किसी चीज को, तो फिर आपको और अच्छी तरह से बात समझ आ जाएगी कि इसको किस तरह से किया जाता है, ठीक है जी। आपका जो सिस्टम होता है, कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसके अंदर आपके पास करंट जा रहा है, तो उस सर्किट की हम एक पावर फाइंड आउट करते हैं जो कि उस ट्रांसफर रेट से रिलेटेड होती है। उसको बहुत ही आसान सा इसका भी एक फॉर्मूला है कि P इज इक्वल टू, IV, ठीक है जी। अब ये जो हमने पीछे अभी फाइंड आउट किया था, अगर मैं V करूं तो V किसके बराबर होता है? ओहम्स लॉ से IR, तो P इज इक्वल टू I को वैसे ही छोड़ दें, V की जगह पे IR लिख दें, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? I स्क्वायर R, ठीक
ठीक है, अगर आप यहाँ पर अगर आई की वैल्यू लिखें तो पी इज इक्वल टू आई की जगह पे क्या लिखेंगे, वी ओवर आर, और दूसरा वी वैसे का वैसे मैं इसकी बात कर रही हूँ, इस फॉर्मूले में मैं लिख रही हूँ, तो आपके पास आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर, ये वाला फॉर्मूला। सो आप कह सकते हैं कि आपके पास पावर के बेसिकली तीन डिफरेंट फार्मूला आ जाते हैं, तो आप प्रॉब्लम अगर आए तो आप इसको कौन सा फार्मूला यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है? गिवन चीजों में देखे एग्जैक्टली जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन होगी, अगर तो आपको करंट और रेजिस्टेंस गिवन है तो आप आई स्क्वायर आर से कर लेंगे, अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है तो आप वी स्क्वायर ओवर आर से कर लेंगे, अगर आपको करंट और वोल्टेज गिवन है तो आप पी इज इक्वल टू आई वी से कर लेंगे। ऑफ कोर्स अगर आपके पास वी और आर गिवन है तो आप इससे आई फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक अगला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आपको ये फॉर्मूला आता है कि पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर होता है, वोल्टेज गिवन है आर गिवन है तो ऑफ कोर्स आप इस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। क्लियर है जी? यस मैम। जी इसका बहुत एक आसान से क्वेश्चन है, इसके यू आर गिवन अ लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म हीटिंग वायर मेड ऑफ निकल क्रोमियम आयरन एलॉय कॉल्ड निक्रोम, इट हैज अ रेजिस्टेंस आर ऑफ 72 ओम्स, रेजिस्टेंस आपको गिवन है, एट व्हाट रेट इज एनर्जी डिसिपेटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, पोटेंशियल डिफरेंस इनकी वी अगर हो जाए आपके पास 120 वोल्ट, आर हो जाए 72, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, पी, तो वी स्क्वायर ओवर आर। इसी तरह से अगला क्या कहते हैं, वायर इज कट इन हाफ, इसका ये मतलब क्या हुआ कि आपने उसको आधा कर दिया है उसकी लेंथ को, और अब आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट ही है, तब आप क्या करेंगे, वी ओवर आपने उसको करना है आर करना है, अगर उसकी लेंथ आपने हाफ की है तो ऑफ कोर्स उसकी रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। क्लियर है ये बात मैम? रेजिस्टेंस हाफ होगी तो पी डबल हो जाएगा, नहीं ये तो आपने बच्चा प्रूव करना है ना, आप करेंगे तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली आप प्रूव नहीं कर सकते ना, कि आप कहेंगे कि वो हो गया, आपने यही चीज आप पे शो करनी है कि जब आपकी रेजिस्टेंस कम होती है क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के साथ, तो आपकी पावर बढ़ जाती है, ठीक है, यही चीज आपका एंड पे आंसर बेसिकली निकलता है।